जोहार नमस्कार आपने मां देखा था आईवीएन 24 आसाम नोटिस सचरा अन्याय के हर खबर से जुड़ा रहे के दिन भर के हर खबर से अपडेट रहे खातिर हमारे यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर जरूर। हम जो व्यवस्था लेना है तुरंत लेता हूं और अभी भी कांग्रेस का एक विधायक ने बहुत गलत टिप्पणी किया, काल रात को उनको गिरफ्तार किया गया है और उसको जो भी सिखाना है सिखाया जाएगा। सीएम साहब बहुत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बेकार बात कही है महिलाओं को लेकर सदन में जिस तरीके की बात हुई। मेरा नीतीश कुमार जी का भाषण देख के मेरा ऐसे ही अनुभव हुआ कि वो भी मुख्यमंत्री का आसन में जो बैठने का जो मेंटल बैलेंस चाहिए, सो मानसिक संतुलन चाहिए, वो खो चुका है। तो इसीलिए उनको अभी उनका पार्टी उनको मुख्यमंत्री का आसन से हटा देना चाहिए। इसलिए एक मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति अगर सीएम का आसन में रहता है तो वो स्टेट का कभी भी खतरा हो सकता है। अच्छा, आपने भाषण में लगातार बाबर हमास और इसका जिक्र होता है, ऐसे में आपको क्या लगता है इनका इलाज क्या है? नहीं, इलाज तो कर ही रहा हूँ ना, जैसे 370 हट गया, PFI का बैनिंग हो गया, तो इंस्टॉलमेंट तो इलाज तो हो ही रहा। हर बार डर के कारण इनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होती, क्या होना चाहिए? एक पूरे आपने आसाम में करा, भारतवर्ष में इनका इलाज क्या है? भारतवर्ष में ये लोगों का ऊपर जबरदस्त इलाज होना चाहिए। हमारा देश में जो हमास है, बाबर है, औरंगजेब है, उनको जबरदस्त टाइट करना चाहिए और कोई मतलब जीरो टॉलरेंस से टाइट करना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी लगातार आ रहे हैं और क्या कहेंगे उसको? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश का सबसे बेकार उम्मीद, जीवन में तो कुछ कमाई का काम किया नहीं, उसने जीवन में कुछ काम ही नहीं किया। नेता होके ही जन्म हुआ, नेता होके ही चलते रहता है, आते हैं अनाथ फनाथ बोलते हैं, फिर फॉरेन चला जाते हैं। तो मैंने इतना बेकार नेता जिंदगी में दूसरा कोई नहीं देखा हुआ आज तक। आपको क्या लगता है कि मध्यप्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह सरकार आराम से बन जाएगा? मैं 2 महीना पहले आया था, तब एक सभा में बोल के गया हूँ कि 150 का लगभग बीजेपी आएगा और अभी भी मेरा वही असेसमेंट है, 150 तक बीजेपी पहुंचेगा, 5-10 सीट उधर उधर। हमास की कैटेगरी क्या है, किस किन लोगों को आप हमास मानते हैं? जो लोग हमास जैसा काम करते हैं वही हमास का कैटेगरी है। अभी भी कर्नाटक में देख रहे हैं औरंगजेब का नाम में प्रोसेशन निकाला। तो हम रोहिंग्याओं का हमास कौन है? हम रोहिंग्याओं का इलाज नहीं कर पाए, बाकी फिर अब हम कैसे इनका करेंगे जो बाहर से आ रहे हैं? और जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है, हर प्रदेश में कोई ना कोई ट्रीटमेंट हो ही जाती है। अभी देश में कांग्रेस का कोई सारे स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कन्हैयालाल का सर्तन जुदा हुआ, 5 मिनट में उनका हिसाब हो जाना चाहिए, अशोक गहलोत जी किया नहीं। तो ऐसे देश में जो कांग्रेस और अपोजिशन रूल स्टेट है, वो खत्म हो जाने से खुद ब खुद हमास, बाबर, औरंगजेब कंट्रोल में आ जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? आप कह रहे हैं कि राजस्थान में हर जगह में देश का संविधान होता है, मैं हस्तक्षेप करूंगा तो आप ही बोलेगा कि कैसे हस्तक्षेप किया। तो इसीलिए जनता का आशीर्वाद लेके हस्तक्षेप करना ठीक है ना? नहीं, लेकिन जिन लोगों के बारे में आप अक्सर इशारा करते हैं, आप जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, कर्नाटक में उन्होंने दम दिखा दिया, आपको आउट कर दिया। नहीं, इसीलिए भाई को बोलता हूँ, देखो दम तो वो लोग को दिखाने का तो साहस उनका है, अगर हम ढीला पड़ेगा तो वो लोग दम दिखाएगा। दुनिया तो ऐसा ही ना, एक पार्टी वीक होगा तो दूसरा पार्टी तो स्ट्रांग होगा, ये तो सचमुच बात है। कर्नाटक में हमने हारा और आज औरंगजेब दम दिखा रहा है, अगर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी हारते हैं तो वो लोग दम दिखाएगा। इसलिए हम पहले बोल रहा हूँ भाई, देखो हमारा सामने और समस्या है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या बाबर और औरंगजेब, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बीजेपी सरकार चाहिए। तो आपने बुलडोजर चलाया, उनको कंट्रोल किया, तो बहुत सारी चीजें की तो है, और क्या कर सकते हैं? बराबर दिन भर वही टेंशन लेके रहता, नया तरीका निकालते रहता दिन भर का वही टेंशन है। आपका भी कुछ आइडिया होता तो उसको दे दीजिए। जोहार नमस्कार, आपने मन देख रहा था आईबीएन 24 आसाम नोटिस सचरा अन्याय के हर खबर से जुड़ा रहे हमारा यूट्यूब चैनल के लाइक कमेंट शेयर करें।